हरिओम। भला कैसे टूटेंगे बंधन ये दिल के, बंधन ये दिल के, बिछड़ती नहीं मौज से मौज मिलके, हो मौज मिलके। छुपोगे भंवर में तो छुपने न देंगे, तो छुपने ना देंगे, डुबो देंगे नैया तुम्हें, ढूंढ लेंगे तुम्हें, ढूंढ लेंगे, बनाएंगे तूफान को एक दिन, किनारा हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, हो हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा, ये हमारा तुम्हारा। हरिओम दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं कृपाल लोधी। दोस्तों आज हम आपको लेकर के आए हैं इंडिया जीके में अर्थशास्त्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाले मनरेगा या नरेगा कार्यक्रम को, जिसका नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। दोस्तों आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी यदि कर रहे हो, और खासकर पटवारी एग्जाम किसी भी राज्य का, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों हर एक प्रकार के एग्जाम में यहां से निश्चित रूप से प्रश्न आना ही होते हैं। तो दोस्तों एक अपील है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों हम इसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करते रहते हैं, जिसमें मैथ्स रीजनिंग जीके और शिक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड वीडियोस होते हैं, उन्हें आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों यहां तक यदि आपने वीडियो देखा है तो प्लीज आप एक लाइक तो कर ही दें। तो बगैर देर के स्टूडेंट्स आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में। इसके बारे में दोस्तों हम बहुत सारे फैक्ट भी हम पढ़ेंगे, ये जानेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, किस प्रकार से इसकी स्थापना हुई, इसके उद्देश्य या हम कहें कि इसके कार्य क्या है, सामाजिक अंकेक्षण क्या होता है, जॉब कार्ड क्या होता है, और इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न आपको एग्जाम में आना होते हैं। दोस्तों एक बात आपको बताएं, किसी भी राज्य के पटवारी एग्जाम का तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपको निश्चित हर एक एग्जाम में एक से दो प्रश्न मिल ही जाते हैं। तो देखते हैं मनरेगा को, इसका नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसको पहले नरेगा कहा जाता था, देखो यहां स्पेलिंग लिखी है NREGA, पहले से कहा जाता था नरेगा। अब कभी कभी एग्जाम में आपसे नरेगा का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो दोस्तों नरेगा का जो फुल फॉर्म होता है ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये नरेगा का फुल फॉर्म है। कभी कभी एग्जामिनर यहां से ऐसे प्रश्न करता है कि नरेगा में एन का मतलब क्या है, तो हम कहेंगे नेशनल, या आर का मतलब क्या है तो रूरल। इस प्रकार से भी कभी कभी हमने एग्जाम में देखा है, ऐसे क्वेश्चंस भी यहां से पूछे जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों ये वर्तमान में इसका नाम नरेगा नहीं है, वर्तमान में जो ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है। फिर से सुन लें, वर्तमान में हम ये 2022 में वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो वर्तमान में नरेगा का जो नाम है इसे बदल करके वर्तमान समय में इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कहते हैं, और इसे इंग्लिश में लिखा जाता है मनरेगा। क्या लिखा जाता है? मनरेगा, केवल यही फुल फॉर्म है, केवल इस एम से मनरेगा, ठीक है। तो इस एम से केवल आपको क्या बदल देना है? महात्मा गांधी कर देना है, ठीक है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इसका नाम है, और ये नाम कब से पड़ा? 2 अक्टूबर 2009 से। अब यदि कभी आपको प्रश्न आता है कि नरेगा का नाम
या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदल करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब से कर दिया गया, तो आपको क्या कहना है, 2 अक्टूबर 2009 से, ठीक है। और कभी कभी यदि आपसे प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक्ट या अधिनियम, तो यहां आपको ध्यान रखना है इसे 2005 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2000 कितना कहना आपको, 2005, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी स्थापना कैसे हुई, कैसे शुरुआत में संसद में जब कोई भी योजना पास होना होती है, कोई योजना बनना होती है, तो शुरुआत में उसे हम क्या बिल कहते हैं, और जब राष्ट्रपति महोदय की जब मंजूरी मिल जाती है तो कैसे वही बिल एक्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो अब हम कुछ विशेषताएं और देख लेते हैं। अब यदि कभी आपको प्रश्न ऐसा आता है कि सर्वप्रथम इस राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की चर्चा कब की गई थी, तो ये सर्वप्रथम की गई थी 1991 में, उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी, ठीक है। सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की चर्चा भारत में कब की गई, 1991 में, किसके टाइम पीरियड पर, या किसने इसे सबसे पहले महत्व दिया, पीवी नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे तब इस योजना की सबसे पहले चर्चा की गई। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि जो मनरेगा है या जो योजना है ये संसद में कब पारित हुई, पारित का मतलब होता है पास हुई, राज्यसभा और लोकसभा मिला करके, ठीक है। कोई भी बिल एक स्तर से, एक सदन से दूसरे सदन में जाता है, फिर जाता है राष्ट्रपति महोदय के पास, तो जिस तारीख को राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर किसी बिल पर हो जाते हैं तो वो कानून बन जाता है और उसी दिन उसका पारित होना कहलाता है, उसी दिन से उसे लागू समझा जाता है, ठीक है। तो 2005 में ये संसद में पारित हुआ। फिर आपको एक तारीख और याद रखना है, 5 सितंबर 2005 को इस बिल पर राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर हो गए। ये प्रश्न बिल्कुल सीधे सीधे एग्जाम में इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लें, पेन कापी उठा करके बैठ जाएं और इनको आप नोट भी कर सकते हैं। 5 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति महोदय के इस पर हस्ताक्षर हुए, राष्ट्रपति महोदय के यहां ये बिल पारित हो गया और इसी दिन से ये एक्ट मतलब अधिनियम में बदल गया और इसी दिन से इसे लागू समझा जाता है। अब हम देखते हैं कि जब ये बिल पारित किया गया था संसद में तब ग्रामीण विकास मंत्री कौन थे, तो रघुवंश प्रसाद सिंह, ये भी कभी एग्जाम में पूछा गया, हमने देखा है, तो रघुवंश प्रसाद सिंह ग्रामीण विकास मंत्री थे जब ये बिल पास किया गया था, और उस समय प्रधानमंत्री थे जब ये बिल पास किया गया था मनमोहन सिंह जी, ठीक है। यहां हमने आपको बताया है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय 2005 में प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के कार्यकाल में ये बिल केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था, जिसे राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिलने के बाद से उसे स्वीकृति मिल गई और वह अब एक एक्ट बन गया, ठीक है। अब कभी यदि आपसे पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है इसका नीति निर्माता किसे कहते हैं, मतलब कौन सा अर्थशास्त्री है जिसके दिमाग में या जिसके मस्तिष्क में ऐसे विचार आए थे कि एक ऐसी योजना बनाई जा सकती है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से कि जिसमें मजदूरों को काम की गारंटी दी जाए, मतलब यदि आप काम मांगते हो तो आपको निश्चित रूप से काम दिया जाएगा, आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, और मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए, ठीक है। एक चीज तो आप ये समझ जाओ कि ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है ये है क्या, थोड़ी सी चर्चा हम आपको इस पर बताए देते हैं। भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी को कम करने के लिए एक योजना भारत में 2005 में लाई गई थी, जिसका उद्देश्य था ग्रामों में या ग्राम पंचायतों में जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, बिलो पुअर लाइन बीपीएल सूची में जिनका नाम है, ग्रामों में रहने वाले जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं इनको अपने गांव में ही रोजगार मिल सके, स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण गांव में ही हो सके, शहरों की ओर उनका बहुत अधिक पलायन ना हो, इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लाई गई थी। और इसका उद्देश्य मुख्यतः तो यही है, इसका उद्देश्य कि गांव में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना, गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की स्थापना करना, लोगों को गांव में ही काम दिलवाना, बहुत सारे उद्देश्य इसके हो सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये योजना मुख्यतः क्या है। अब हम कुछ विशेषताएं आपको वही बता रहे हैं। तो जो नीति निर्माता थे ये बेल्जियम के अर्थशास्त्री ज्याद रेंज
इनके द्वारा ये योजना बनाई गई थी। बेल्जियम के अर्थशास्त्री जैद रेंज द्वारा मनरेगा योजना बनाई गई थी। फिर कभी आपसे पूछा जाता है कि केंद्र स्तर पर इसका क्रियान्वयन कौन करता है, तो देश के लेवल पर इस योजना का क्रियान्वयन करता है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का। ठीक है, भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय केंद्र के लेवल पर इस योजना का क्रियान्वयन या संचालन करता है। फिर यहाँ कुछ और उद्देश्य हमने आपको बताए हैं, तो अब ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 9th, 10th, 11th, 12th सभी में ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सिलेबस में लगी हुई है। तो कुछ चीजें हम आपको बताते हैं, इसके उद्देश्यों पर चर्चा करते हैं। इसके उद्देश्य दोस्तों इतने नहीं है, पर्याप्त उद्देश्यों को लेकर के योजना बनाई गई थी, फिर भी कुछ उद्देश्यों को हम आपको बताते हैं। प्रथम इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में काम के अधिकार की गारंटी देना, मतलब आपको काम मांगने पर काम मिलेगा ही, ये गारंटी सरकार द्वारा इसमें दी गई है। और ये काम, इसे काम का अधिकार भी कहते हैं, लोगों को अभी अधिकार हो गया है कि वो यदि सरकार के समक्ष काम की मांग करते हैं तो सरकार निश्चित रूप से उनको कार्य उपलब्ध करवाती है वही गांव के आसपास के क्षेत्रों में। दूसरा इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करना। आजीविका सुरक्षित करने का मतलब होता है कि उनका जीवन यापन गांव के गांव में ही होने लगे, शहरों की तरफ पलायन उनका कम हो। फिर सतत व समावेशी विकास में मदद करना, सतत विकास का मतलब ये होता है कि संसाधनों का कुशलतम उपयोग करते हुए विकास करना ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन सुरक्षित रह सकें, ये सतत विकास कहलाता है। और समावेशी का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना हमें, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, ठीक है, ऊंच नीच के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, ये कहलाता है समावेशी विकास में मदद करना, ये भी इसका इस योजना का एक उद्देश्य रहा है। ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना, ये भी इस योजना का एक उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना, मतलब गांव के लोग स्थायी रूप से मकान बनाकर गांव में ही रहें, गांव में ही वो इन्वेस्ट करें, वहीं सब कुछ करें, शहरों की ओर पलायन ना करें, ये कहलाता है स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना गांव में ही। इसमें एक उद्देश्य और था कि प्रत्येक परिवार के एक वयस्क व्यक्ति को, वयस्क का मतलब यहाँ दोस्तों है 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति को वयस्क कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक परिवार में एक वयस्क व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना, एक वित्तीय वर्ष अपने यहां भारत में एक वित्तीय वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब 365 दिन लगभग ये हो जाते हैं। तो 365 दिन में कम से कम 100 दिन का रोजगार व्यक्ति को मिलेगा ही, ये गारंटी सरकार द्वारा इस अधिनियम में ले ली गई है। सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में सरकार द्वारा कम से कम कितने दिन का कार्य मजदूरों को उपलब्ध करवाया जाता है, तो आपको कहना है 100 दिन। खैर सभी जगह 100 दिन नहीं होता है, बताएंगे अभी आगे। अनुसूचित जनजाति और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ये अधिकतम 150 दिन तक का हो सकता है। अब हम देखते हैं कि इस मनरेगा का या जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है इसका प्रारंभ कहां से हुआ या कहां से होना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आप मेमोराइज करें। तो यह योजना प्रारंभ होना है 2 फरवरी 2006, बहुत इंपॉर्टेंट डेट, सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न, 2 फरवरी 2006 को मनरेगा की, या अभी तो ये नरेगा ही है, 2009 से मनरेगा होगा तो नरेगा ही समझे आप, 2 फरवरी 2006 से नरेगा की शुरुआत होना है। कहां से होना है? आंध्र प्रदेश राज्य के बांदावली जिले के अनंतपुर गांव से। आंध्र प्रदेश राज्य, कभी कभी यहां से प्रश्न आता है कि भारत में मनरेगा की या नरेगा की शुरुआत कहां से हुई, तो आपको कहना है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश से शुरुआत हुई, बांदावली जिले के अनंतपुर गांव में सबसे पहले इस कार्यक्रम को चालू किया गया। इसमें जो फिर अगली विशेषता हम आपको कार्य के बारे में बता रहे हैं दोस्तों, इसमें जो कार्य करवाया जाता है इस कार्य में ठेकेदारी बिल्कुल वर्जित रहती है, ठेकेदारी प्रथा का इसमें को मान्यता नहीं दी गई है, ठेकेदारों से काम नहीं कराया जाता है। जो एजेंसी होती है वो पंचायती राज स्तर की जो संस्थाएं होती हैं वो इसमें एजेंसी होती है, ठेकेदारों से काम की मनाही है, मशीनों से काम करना वर्जित है, मशीनों से कार्य नहीं करवाया जाएगा। किसी भी प्रकार की जेसीबी, ट्रैक्टर ट्राली या पोकलैंड मशीन आदि आप
इस योजना के दौरान नहीं लगा सकते, क्योंकि इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है लोगों को कार्य देना, काम देना, ठीक है। और आप समझ रहे होंगे कि यदि मशीनों से कार्य करवाओगे तो एक माह का काम कोई मशीन एक दिन में कर देगी, वही मजदूर यदि करेंगे तो एक माह तक करते रहेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा, इसलिए मशीनें वर्जित है, ठेकेदारी प्रथा इसमें वर्जित है। आगे देखते हैं, अब कभी कभी यहां से प्रश्न आता है कि इसमें किस प्रकार के कार्य लोगों से करवाए जाते हैं, तो देखो भूमि विकास के कार्य करवाए जाते हैं। अकुशल श्रम, देखो यहां कहीं हमने बताया होगा अकुशल प्रकार का श्रम, इसमें अकुशल प्रकार का श्रम लोगों से करवाया जाता है। और अकुशल प्रकार के श्रम का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार का कार्य करवाया जाता है जिसमें किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती, कोई भी व्यक्ति जो मेहनत कर सकता है वो उस कार्य को भली भांति कर सकता है, कोई ट्रेनिंग वगैरह की ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत इसमें नहीं होती, ठीक है। गड्ढे खुदवाना, सड़कों पर डलवाना, कुछ भी मिट्टी वगैरह, तो भूमि विकास के कार्य इसमें करवाए जाते हैं, जैसे बांध बनाना, नहरें बनाना, ठीक है, कुएं खोदना, कुओं की साफ सफाई करवाना, इस टाइप के मेड़े डालना खेतों में। फिर बागवानी या वृक्षारोपण के कार्य भी इसमें करवाए जाते हैं, पौधों को लगाना, बागवानी लगाना, उनको सिंचित करना। सूखा निवारण के कार्यक्रम करवाए जाते हैं, कुओं को साफ करना, बांध बनवाना, ठीक है, तो ये इस प्रकार के कार्य। बाढ़ नियंत्रण, मेड़ बधाना आदि, बाढ़ ना आ पाए, ठीक है, तो इस प्रकार के कार्य इसमें करवाए जाते हैं। बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए सड़कें बनाना, मतलब ऐसी सड़कें बनाना जो ऐसी सड़कों को जोड़ दे जो सड़कें बारह माह चलती हैं, बरसात में भी जहां बाढ़ वगैरह या पुलपुलिया बने होते हैं सड़क पे, ऐसी सड़कों से गांव की सड़कों को जोड़ देना, तो इस प्रकार के कार्य करवाए जाते हैं। अन्य कार्य भी करवाए जाते हैं, अन्य साफ सफाई संबंधी कार्य भी करवाए जाते हैं, ठीक है, नालियों की साफ सफाई करवाना, नालियां बनवाना, ठीक है, सड़कों की साफ सफाई करवाना, तो इस प्रकार के कार्य करवाए जाते हैं। मशीनों और ठेकेदारी प्रथा इसमें पूर्णतः वर्जित है, इतना आप समझते जाए, यहीं से प्रश्न बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं। अब हम देखते हैं इसके चरणों को। दोस्तों यदि कभी आपसे पूछा जाए कि मनरेगा के कुल कितने चरण अभी तक चालू हुए हैं, तो तीन चरण चालू हुए हैं। पहला जो चरण था ये 2006-07 या 6, ध्यान रखें आप, 2006 से इसको प्रारंभ जब किया गया था तो भारत के 200 पिछड़े जिलों में इसे प्रारंभ किया गया था, तो प्रथम चरण में भारत के 200 पिछड़े जिलों में। जो दूसरा चरण इसका रहा दोस्तों, ये दूसरा चरण, यहां सन हमने नहीं लिखा, ये 2007 से प्रारंभ हुआ इसका दूसरा चरण, एक एक साल याद रखना, 2006 पहला चरण, 2007 दूसरा चरण और 2008 तीसरा चरण। तो दूसरा चरण इसमें 2007 में प्रारंभ हुआ, 200 जिलों में पहले से चल रहा था, 150 नए जिले और जोड़ दिए गए, तो दूसरे चरण में 350 जिलों में भारत के ये योजना चालू हो गई। और तीसरा और जो अंतिम चरण अभी हाल हम कहें तो ये प्रारंभ हुआ था 2008 में, तो 2008 से ये योजना पूरे भारत में लागू कर दी गई। यहां से भी डायरेक्ट प्रश्न आता है कि मनरेगा या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को पूरे भारत में कब से चालू कर दिया गया, तो याद रखें ये सन है 2008, ठीक है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखें कि पूरे भारत में तो कर दिया गया लेकिन दिल्ली राज्य को छोड़ करके, ठीक है, ये इसका अपवाद है। अब हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है इसकी उपलब्धि क्या है, तो वर्ल्ड बैंक जो होता है विश्व बैंक WB, वर्ल्ड बैंक ने इसकी तारीफ की है इस योजना की, तो वर्ल्ड बैंक ने इसे क्या कहा है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, कि पूरे संसार का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण करने का जो कार्यक्रम है वो ये मनरेगा है, ये विश्व बैंक ने इसे उपाधि दी है या कहा है, तो इस योजना के संदर्भ में यह एक प्लस पॉइंट है, एक अच्छी बात है। अब हम कुछ अन्य विशेषताओं को और देख लेते हैं। दोस्तों यहां तक यदि आपने वीडियो देखा है तो प्लीज आप लाइक तो कर ही दें और प्लीज आप कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। हमारे मैथ्स साइंस रीजनिंग GK के वीडियो भी आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर के। अब हम दोस्तों चर्चा कर लेते हैं इसकी मजदूरी दर पर, इसकी मजदूरी दर क्या है, तो एक चीज आप याद रखना, वर्तमान में हम ये 2022 में वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो केंद्र सरकार ने जो इसकी मजदूरी तय की है वर्तमान में वो 2020 के बाद बढ़ा दी है। वर्तमान में मजदूरी दर है 235 रुपया प्रतिदिन, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 235 रुपया प्रतिदिन मनरेगा की मजदूरी, याद रखना। कभी यदि आपसे पूछा जाए कैसा कौन सा राज्य है जहां मनरेगा की मजदूरी दर प्रतिदिन की सर्वाधिक है, तो यहां आपको याद रखना है हरियाणा राज्य,
चूंकि ये पंजाब और हरियाणा जो है ये विकसित राज्य है, यहाँ अधिकांशतः लोग कृषि कार्य में, निजी कार्य में लगे होते हैं, ज्यादातर रोजगार की आवश्यकता यहाँ लोगों को होती नहीं है, इसलिए यहाँ मजदूर कम मिलते हैं। तो हरियाणा राज्य में वर्तमान में पूरे भारत में सबसे ज्यादा मनरेगा की मजदूरी दर है और यह है 315 रुपया प्रतिदिन। इसके बाद हम देख लेते हैं कि पूरे भारत में सबसे कम मजदूरी दर मनरेगा की कौन से राज्य में है, तो यहां आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में जो मजदूरी दर है यह है केवल 193 रुपया प्रतिदिन। ठीक, चूंकि हम मध्य प्रदेश से हैं और मध्य प्रदेश में वर्तमान में मनरेगा की मजदूरी दर है 190 रुपया प्रतिदिन, ये डाटा आप नोट करके चले। अब हम देख लेते हैं कुछ अन्य विशेषताएं मनरेगा की। पहली विशेषता है, कभी यदि आपसे पूछा जाए कि जो मनरेगा का कार्यक्रम है ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ हुआ, तो यहां दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मनरेगा की शुरुआत हुई। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी ये 2002 से 2007 के बीच में चलाई गई थी। आप प्लीज हमारा पंचवर्षीय योजनाओं का, योजना आयोग का वीडियो भी देख लें, हम लिंक इसकी आपको बॉक्स में प्रेषित कर देंगे, आप वहां जाकर के इसे देख सकते हैं। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मनरेगा की शुरुआत या नरेगा की शुरुआत की गई थी। किसे इस योजना का लाभ मिलता है, तो ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे लोग जो बीपीएल कार्डधारी हैं, बिलो पुअर लाइन मतलब गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, इनके लिए मनरेगा का लाभ मिलता है, शहरी लोगों के लिए ये नहीं है। किस प्रकार का श्रम करवाया जाता है, हम पहले चर्चा कर चुके, अकुशल श्रम करवाया जाता है, किसी प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। जिस कार्य में गड्ढे खोदो, मिट्टी एक स्थान से उठाओ दूसरे स्थान सड़कों पर डालो, इस प्रकार के कार्य इसमें करवाए जाते हैं। एक वित्तीय वर्ष में, अभी हमने बताया कम से कम कितने दिन का कार्य दिया जाता है, 100 दिन का कार्य कम से कम दिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा पूरे दिन का कार्य भी आपको मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखना कि सूखाग्रस्त जो क्षेत्र होते हैं जहां बारिश कम हुई होती है, और जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं जहां आदिवासी बाहुल्य लोग ज्यादा रहते हैं, ऐसे स्थानों पर एक वित्तीय वर्ष में ये कम से कम 150 दिन का कार्य भी मिल सकता है। यहां लोगों को 50 दिन की छूट और एक्स्ट्रा दे दी जाती है। आगे हम देखते हैं कि इसमें जो राशि होती है और मजदूरी की राशि या सामग्री की राशि का जो भुगतान करता है ये कौन करता है, तो ये राज्य और केंद्र दोनों की सहभागिता से ये योजना चलाई जा रही है। इसमें जो केंद्र सरकार होती है, दिल्ली वाली जो सरकार होती है, ये 90% खर्चा करती है, और जो राज्य सरकार है ये मनरेगा पर 10% खर्च करती है। जब आप इनको कैंसिल आउट करोगे तो केंद्र और राज्य का 90/10 यदि आप 10 कर दोगे तो 0-0 कट जाएंगे, 9:1। मतलब यदि हम कहें कि 100 रुपया यदि खर्च होते हैं पूरी योजना पे, तो हर 100 रुपया में 90 रुपया केंद्र सरकार खर्च करती है और 10 रुपया राज्य सरकार इसमें खर्च करती है। हाँ, यदि राज्य सरकारें चाहें तो इसमें बजट बढ़ा सकती है, ज्यादा खर्च कर सकती है। ठीक है, इसके बाद में ये भी एक चीज फिक्स रखी गई है कि इसमें श्रम पर कितना खर्च होगा और सामग्री पर कितना खर्च होगा। तो जो कुल राशि सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष में जारी की जाती है उसका 60% श्रम पर खर्च होगा, मतलब मजदूरी पर खर्च किया जाएगा। आपको मजदूरी पर कुल राशि का 60% अनिवार्य रूप से खर्च करना होगा, सामग्री पर आप केवल 40% खर्च कर सकते हो। सामग्री मतलब सीमेंट लेना है या कोई भी सामान आपको यदि लेना है तो इस पर आप अधिकतम कितना खर्च कर सकते हो, 40%। ठीक है, तो इसका अनुपात आप खुद से निकाल लेना, 60/40 श्रम और सामग्री का। तो जब आप 60/40 इसको लिखोगे, 60/40 ऊपर श्रम, लेकिन ध्यान रखना, ठीक है, ऊपर श्रम नीचे सामग्री, 20 से काटो, 20 × 60 और 20 × 40 3:2, श्रम और सामग्री का अनुपात कितना निकल गया है, 3:2। ठीक है, इसमें एक सूत्र दिया गया है, एक नारा दिया गया है, और वो नारा क्या है, ये जो योजना है ये प्रथम आओ और प्रथम पाओ के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, प्रथम आओ प्रथम पाओ जो नारा है ये किस योजना में दिया गया, तो मनरेगा में, आप ध्यान रखना, क्योंकि इसमें प्रथम आओ प्रथम पाओ का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति सरपंच सचिव के माध्यम से सबसे पहले काम की मांग करता है उसे ही सबसे पहले पंचायत द्वारा कार्य दिया जाता है। ठीक है, तो प्रथम आओ प्रथम पाओ के सिद्धांत पर ये आधारित है। इसमें कार्य की एजेंसियां क्या होती है, कार्य की एजेंसी मतलब ठेकेदार तो काम करवाएंगे नहीं, फिर काम कौन करवाएगा, तो पंचायती राज संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं मतलब सबसे निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर उससे ऊंचे
स्तर पर जनपद पंचायत और उससे ऊंचे स्तर पर जिला पंचायत, ठीक है। हालांकि अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में कह रहे हैं, तो जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतें इस की एजेंसी होती है, यही कार्य का संचालन करवाती है। हाँ, यदि कोई अन्य एजेंसी है, भले वो प्राइवेट या सरकारी है, यदि ये कार्य उपलब्ध करवाती है पंचायतों में, तो बिल्कुल करवा सकती है, ठीक है। इसमें बाल श्रम पूर्णतः निषेध है, छोटे बालक जो 14 वर्ष से कम के होते हैं इनको कार्य पर नहीं रखा जाता, बाल श्रम पूर्णतः इसमें निषेध है। इसमें काम कितने परिधि में या कितने एरिया में आपको दिया जाता है, तो लगभग जिस पंचायत में मजदूर या श्रमिक रह रहा है उसकी 5 किलोमीटर की परिधि में, अधिकतम उससे 5 किलोमीटर के एरिया, मतलब 5 किलोमीटर त्रिज्या मान लो, फिर 5 किलोमीटर त्रिज्या यदि अपन ने मान ली, तो इतने क्षेत्र में 5 किलोमीटर की परिधि में काम दिया जाता है, ठीक है। यदि 5 किलोमीटर की परिधि से ज्यादा क्षेत्र में यदि मजदूर को भेजा जाता है कार्य करने के लिए, तो जो भी न्यूनतम मजदूरी होती है इसका 10% और अधिक भुगतान किया जाता है, ठीक है। दैनिक मजदूरी में 10% और जोड़ के आपको किराए के रूप में देना होगा, यदि आप श्रमिक को 5 किलोमीटर की परिधि के अधिक दायरे में भेजते हैं तब। फिर हम देखते हैं इसमें क्या वृद्ध और विकलांग व्यक्तियों को भी काम दिया जाता है, तो बिल्कुल दिया जाता है। इसमें वृद्ध और विकलांग व्यक्तियों को भी उनकी दक्षता, उनकी क्षमता के अनुसार बिल्कुल कार्य देने का प्रावधान इसमें किया गया है। एक विशेषता और है, इसमें महिलाओं को 1/3 या 1/3 को जब हम परसेंटेज फॉर्मेट में बदलते हैं तो 1/3 का प्रतिशत निकलता है 33%, तो इसमें महिलाओं को 1/3 या लगभग 33% आरक्षण दिया गया है। मतलब यदि आप 100 मजदूर कार्य पर लगाते हो तो कम से कम 33 महिलाएं तो कार्य में होना ही चाहिए, अधिकतम भले पूरी हो सकती हैं, ठीक है, ये आरक्षण का मतलब कहलाता है। तो महिलाओं को 1/3 या 33% आरक्षण दिया गया है। महिलाओं के संदर्भ में और कहा गया है इस योजना में कि यदि 6 वर्ष से कम के 5 से अधिक बच्चे यदि होते हैं उन महिलाओं के जो कार्य पर लगी हुई है, तो 5 से अधिक बच्चों पर एक महिला को भी इन बच्चों की देखरेख में लगाया जाता है और उसे भी वही मजदूरी दी जाती है, ठीक है। ग्राम पंचायत में फिर कभी किसी एग्जाम में पूछा गया है कि ग्राम पंचायतों में मनरेगा का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो वो होता है रोजगार सहायक। आपने देखा होगा सभी पंचायतों में, खासकर मध्य प्रदेश में तो है, सभी देश में है, सभी पंचायतों में मनरेगा के कार्यक्रम को संचालित करने के लिए रोजगार सहायकों की नियुक्ति की गई है। ये मनरेगा का पंचायत स्तर पर सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति जनपद पंचायत के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इट मीन्स मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के द्वारा रोजगार सहायकों की नियुक्ति की जाती है, जो पंचायत स्तर पर मनरेगा के कार्यक्रम का संचालन करते हैं। समझ गए होंगे, बिल्कुल। एक विशेषता और इसमें रखी गई है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो भारत में लागू हुआ था 1948 में, हालांकि इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे, तो ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, एक तो आप इस तारीख को याद रखें, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, इसका मतलब ये है, ये एक इस प्रकार का अधिनियम है कि जिसमें यह तय किया गया है कि कोई भी किसी भी प्रकार श्रमिकों से किसी भी प्रकार का यदि आप कार्य करवाते हो तो आप बेगार नहीं करवा सकते। बेगार मतलब आप देख रहे हो कि ये भूखों मर रहे हैं, इनके पास खाने के लिए है नहीं, तो ये मजबूरी में आप खाने को बस दे दो तो वो काम करेंगे, कपड़े बस दे दो तो काम करेंगे, ऐसी आप बेगार नहीं करवा सकते, ठीक है। ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 ये कहता है, इसने निर्धारित कर दी है मजदूरी की दर कि श्रमिकों से कार्य करवाने पर कम से कम इतनी मजदूरी तो देना ही होगी, जैसे अभी वर्तमान में 60 रुपया है तो कम से कम उतनी मजदूरी तो आपको देना होगी, तो इस अधिनियम का पालन भी मनरेगा के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इसमें काम पाने की प्रक्रिया क्या है, आप कैसे काम पा सकते हो, तो दोस्तों इसमें काम पाने की प्रक्रिया जो है, इसमें क्या होता है कि एक जॉब कार्ड बनता है, यहां हम आपको बता नहीं पाए, खैर ठीक, यहां लिखा हुआ है जॉब कार्ड, जॉब कार्ड को समझ लेते हैं दोस्तों। एक जॉब कार्ड बनाया जाता है, इसी के आधार पर आप पंचायत के द्वारा काम की मांग कर सकते हो, पंचायत से काम की मांग आप कर सकते हो। एक जॉब कार्ड होता है जिसमें मजदूर का नाम, श्रमिक का नाम, पिता का नाम, उसकी जन्मतिथि, उसका पता, लिंग आदि समस्त जानकारी इस जॉब कार्ड में लिखी हुई होती है। इस जॉब कार्ड की जो वैधता होती है ये 5 साल तक होती है, एक पंचवर्षीय
मतलब जो पंचायतों का कार्यकाल होता है 5 साल तक ये जॉब कार्ड चलता है, इसे 5 साल के बाद में रिन्यू कराना होता है। यदि ये घूम जाता है तो निर्धारित शुल्क देकर के पंचायत से आप इसे पुनः प्राप्त कर सकते हो। ये जॉब कार्ड कौन बनाता है? पंचायत सचिव और पंचायत का जो प्रधान होता है, सरपंच वगैरह, ये आपका जॉब कार्ड बनाते हैं। जॉब कार्ड के माध्यम से ही आप पंचायत से काम की मांग कर सकते हो। एक आवेदन, देखो यहां हमने बताया है कि काम मांगने की प्रक्रिया क्या है, तो एक आवेदन लेकर के आपको उस आवेदन को भर करके पंचायत के सचिव को और सरपंच को एक एक कॉपी आपको सौंपना होती है, जिसमें जॉब कार्ड की फोटो भी लगाई जाती है और फिर पंचायत आपके लिए जो भी निर्धारित काम है वो देती है। यदि हाँ, ये टाइम लिखा है हमने कि पंचायत में 10 से 5 का टाइम होता है, ठीक है, इतने समय में वो आप आवेदन जमा कर सकते हो, पावती रिसिप्ट ले सकते हो। यदि हाँ, तो 15 दिन के अंदर पंचायत आपको निश्चित रूप से काम देगी। 15 दिन के अंदर, यदि 15 दिन के अंदर पंचायत आपको काम नहीं दे पा रही है, तब आप बेरोजगारी भत्ता पाने के अधिकारी हो जाते हो। अभी हम आपको बता रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता क्या होता है। आगे कुछ विशेषताएं और देखते हैं कि काम के दौरान चोट लगने पर, आपका फ्री इलाज होता है। यदि काम के दौरान आपको चोट लग गई हो, यदि आप अस्पताल में एडमिट हो, कई दिनों तक आप भर्ती रहते हो, तो जो आपको दैनिक मजदूरी मिल रही है, इसकी आधी मजदूरी आपको अस्पताल में रहने के दौरान इसमें मिलती रहेगी, ठीक है। या आपकी यदि मौत हो जाती है या स्थायी रूप से आप अपंग हो जाते हो काम के दौरान, तो फिर आपको यहां दुर्घटना मुआवजा 25,000 रुपए का प्रावधान यहां पर किया गया है। और देखते हैं इसमें भुगतान कैसे होता है, तो ध्यान रखें इसमें दोस्तों जो भुगतान होता है ये होता है साप्ताहिक, मतलब आपने हाँ 1 दिन का इसमें अवकाश रखा जाता है। एक चीज और यहां हम नहीं बता पाए, ध्यान से सुने, 6 दिन इसमें कार्य करवाया जाता है, सप्ताह के 7 दिन होते हैं, तो अधिकतम 6 दिन इसमें कार्य करवाया जाता है। 1 दिन 7वें दिन का जो भी स्थानीय स्तर पर बाजार हाट वगैरह का दिन होता है निर्धारित, उस दिन इसमें अवकाश रखा जाता है, कार्य उस दिन नहीं करवाया जाता। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक, मतलब सप्ताह में कर दिया जाता है। अधिकतम मजदूरी को पाक्षिक रखा जा सकता है, पाक्षिक मतलब होता है 15 दिन के समय में आप मजदूरी का भुगतान मजदूरों को करना ही होगा एजेंसी को, अधिकतम 15 दिन के टाइम में, ठीक है। काम पाने की जगह कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं, तो जहां भी जो काम की जगह है, जहां वो वर्क चल रहा है, वहां शुद्ध पीने के लिए पानी की व्यवस्था होगी। मजदूरों को जो अवकाश का टाइम होगा बीच में, जिसमें वो ब्रेक करेंगे, भोजन आदि करेंगे, तो छाया की व्यवस्था होगी, ठीक है। कुछ प्राइमरी सर्विसेज, कुछ प्राथमिक सुविधाएं, चिकित्सा की भी वहां पर होंगी, तो इस प्रकार की कुछ आवश्यक मूलभूत सुविधाएं काम की जगह पर उपलब्ध करवाई जाती हैं, ठीक है। यदि हाँ, अब हम देखते हैं कि बेरोजगारी भत्ता कब दिया जाता है या बेरोजगारी भत्ता पाने का प्रावधान क्या है, तो सबसे पहले आपको जॉब कार्ड के द्वारा पंचायत के सरपंच और सचिव से आपको काम की मांग करना होती है। यदि अधिकतम 15 दिन के अंदर वो आपको काम उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं, तब आप हो जाते हो बेरोजगारी भत्ता पाने के अधिकारी। ये अलग अलग राज्यों में बेरोजगारी भत्ता की दर अलग अलग निर्धारित की गई है। एक शर्त इसमें जरूर है, बेरोजगारी भत्ता 100 दिन में अधिकतम 16,000 रुपया से अधिक नहीं हो सकता। यह 100 दिन का दिया जाता है एक वित्तीय वर्ष में, तो ये मैक्सिमम मतलब अधिकतम 16,000 रुपया से अधिक आपको नहीं मिल सकता। आगे हम देखते हैं कि लक्षित दर्शक क्या कहलाती है। कभी किसी एग्जाम में पटवारी में आया, वहां से हमने उठाया है कि इसमें लक्षित दर्शक क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों लक्षित दर्शक का मतलब होता है कि प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति का जॉब कार्ड इसमें बनाया जाता है, तो एक व्यक्ति कम से कम कार्य उस परिवार में कर रहा होता है, तो उस परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, बचे हुए सदस्य जितने भी हैं, एक वयस्क वहां कार्य कर रहा होगा एक परिवार में। अब जो बचे हुए जो सदस्य उस परिवार के होते हैं, उन्हीं बचे हुए या शेष सदस्यों को लक्षित दर्शक कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि इस मनरेगा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस मनरेगा की समीक्षा के लिए मेहर शाह, ठीक है, क्योंकि इस योजना में लोग सहनशाह बने ही जाते हैं, कुछ लोग ज्यादा कमा लेते, तो इसकी जो समीक्षा है, इसकी समीक्षा के लिए मेहर शाह समिति का गठन किया गया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसके सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था क्या है। दोस्तों सामाजिक अंकेक्षण का मतलब होता है कि जो ये कार्यक्रम मनरेगा का चल रहा होता है, इसका निरीक्षण कौन करता है, जांच एजेंसियां क्या होती हैं, इस टाइप की व्यवस्था को हम कहते हैं सामाजिक अंकेक्षण, मतलब समाज के लोग ही इसका निरीक्षण वगैरह देखरेख करते हैं, तो इसकी व्यवस्था हम आपको बढ़ते क्रम में बता रहे हैं। इसका जो सामाजिक अंकेक्षण है,
ये वर्ष में कितने बार होता है, कितने बार इसकी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो एक वर्ष में दो बार इसका अंकेक्षण होता है, जांच होती है इस योजना की। अब एक वर्ष में दो बार मतलब अपन समझ गए कि छह माह में एक बार, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पंचायत स्तर पर, मतलब जो सबसे छोटी संस्था होती है पंचायती राज व्यवस्था में, ग्राम पंचायत, तो सबसे बड़ी जिला पंचायत, तो पंचायत स्तर पर इसमें सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति होती है, सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति बनाई जाती है जिसमें ग्राम सभा के सदस्य भी शामिल होते हैं, तो ये जांच करती है कि कार्य सही हो रहा है कि नहीं। बाकी हमने आपको बता दिया कि सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी पंचायत स्तर पर रोजगार सहायक कहलाता है, जिसे हम पंचायत सचिव के नाम से भी लगभग जानते हैं। इसके बाद में इससे बड़ा जो अधिकारी होता है जनपद स्तर पर, और ये रोजगार सहायक की नियुक्ति भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा की जाती है। अब हम देखते हैं कि जनपद पंचायत स्तर पर इसकी देखरेख कौन करता है या निरीक्षण कौन करता है, तो जनपद कार्यक्रम अधिकारी, जनपद कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत स्तर पर मनरेगा की कार्यक्रमों की देखरेख करता है, और जनपद कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा की जाती है। फिर हम देखते हैं कि जिला स्तर पर इसके अंकेक्षण की क्या व्यवस्था है, तो जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक मतलब जिले के कलेक्टर महोदय जो है वो इसके निरीक्षणकर्ता होते हैं जिला स्तर पर, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि राज्य स्तर पर, तो राज्य स्तर पर रोजगार गारंटी आयुक्त, रोजगार गारंटी के जो कमिश्नर होते हैं या रोजगार गारंटी के जो आयुक्त होते हैं, ये किसी भी प्रदेश स्तर पर सबसे बड़े अधिकारी होते हैं सामाजिक अंकेक्षण के जांच कार्य को करने के। तो दोस्तों ये हमने अभी इसमें आपको मध्य प्रदेश के बारे में ज्यादा कुछ शामिल हमने नहीं किया है, हम एक सेकंड पार्ट मनरेगा का लेकर के आएंगे जिसमें हम आपको मध्य प्रदेश की रोजगार गारंटी योजना के बारे में विस्तृत समझाएंगे, जो वो भी आपको मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम में, खासकर पटवारी एग्जाम में, आपको पीएससी एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। दोस्तों आप एक बार चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और प्लीज आप इसे लाइक करें, और प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, और हमने कैसा गाना गाया, तो गाना के बारे में आप, हमारे गीत के बारे में जरूर आप अपने विचार लिखें। प्लीज आप हमारी हेल्प करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।